हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक ग्रैस्प। इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू नो फर्स्ट व्हेन आई अपलोड एनीथिंग न्यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के बारे में। इफिशियंसी का सिंपल सा मीनिंग होता है कंप्लीटिंग दी वर्क एट लो कॉस्ट, डैट मीन्स किसी वर्क को अच्छे से कम्प्लीट करना कम लागत लगाकर। जबकि इफेक्टिवनेस का मीनिंग होता है कंप्लीटिंग दी वर्क ऑन टाइम, डैट मीन्स इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट से कंसर्नड है। इसका तात्पर्य है टास्क को करेक्टली कंप्लीट करना सही टाइम पर। हालांकि इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डिफरेंट है, पर दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ये मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करना। अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। फर्स्ट वन इज़ इफेक्टिवनेस फोकस करता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने पर, इफिशियंसी फोकस करता है मैक्सिमम रिजल्ट ऑब्टेन करने पर कम टाइम और एफर्ट में। सेकेंड वन इज़ इफेक्टिवनेस प्रोसेस एंड टाइम ओरिएंटेड नहीं है, पर इफिशियंसी प्रोसेस एंड टाइम ओरिएंटेड है। थर्ड वन इज़ इफेक्टिवनेस देखता है काम हुआ है या नहीं, और इफिशियंसी देखता है काम कैसे हुआ है। फोर्थ वन इज़ इफेक्टिवनेस फोकस करता है रिजल्ट प्रोड्यूस करने पर, और इफिशियंसी फोकस करता है टास्क कंप्लीट करने पर यूजिंग मिनिमम टाइम एफर्ट एंड रिसोर्सेज। अब एग्जांपल देखें तो रोहिणी एक डॉक्यूमेंट और फैक्चुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करती है कंपनी परफॉर्मेंस पर। वो बोर्ड मीटिंग में सबमिट नहीं कर पाती है क्योंकि वो लेट होती है। डैट मीन्स वो इफ़िशियंट तो है पर इफ़ेक्टिव नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखें तो बेस्ट रोडवे प्रॉमिस करता है गुड्स को टाइम पर डिलीवर करने का, और इसके लिए वो एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है मिस्टर सिंह से, पर गुड्स टाइमली डिलीवर्ड नहीं होता है। डैट मीन्स वो इफ़िशियंट है पर इफ़ेक्टिव नहीं है। So this is some basic information about effectiveness and efficiency. If you found this video helpful, then do like, comment and share. Thank you. We'll meet in next video.